हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। आई एम श्योर कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ गाइस। तो आज हम जा रहे हैं एक फ्रेंड के साथ में, कुछ पेपर वर्क है। तो यहाँ से एक्चुअली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ही जाना है, वहाँ पे जो है कुछ जगह वगैरह देखेंगे। तो जहाँ भी जा रहे हैं हम वहाँ का भी लोकेशन बताएंगे। छोटी सी व्लॉग होने वाली है, बस लाइक और सब्सक्राइब कर देना और देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. But बहुत खाली खाली जगह है ये सब में। देखो कुछ भी कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं यहाँ पे, पूरा ही खाली है। ये रोड लगता है नया बन गया है ना, ये रोड नहीं था पहले लास्ट टाइम। जब हम पिछली बार जब मैं आया था अपने दोस्त के साथ, तो ये वाला ना रास्ता वगैरह बहुत ही चेंजेस हो चुका है। यहाँ पे पूरा तार रोड बन गया, बहुत सारे बिल्डिंग या विला वगैरह तो था, और यहाँ पे कहीं हमारे दोस्त का ज़मीन था। बट ये देखो रास्ता ही गायब हो गया, यहाँ पे पूरा जंगल जैसा बन गया वे। यही है ना, मैं तो साला कंफ्यूज हो रहा हूँ। यही है क्या? चलो मैं आप पहले हम लोग कंफर्म हो जाते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चीज़ें यहाँ पे। बसरते गाइस ये देखो भाई क्या जगह है यहाँ पे, रुक जाओ रुक जाओ। तो गाइस अब ये देखो नज़ारा। तो गाइस हम यहाँ पे आए हैं होसुर, ये बैंगलोर से, बैंगलोर में ही एक्चुअली पड़ता है, बट थोड़े बॉर्डर एरिया के साइड में पड़ता है, जो कि होसुर कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बाद में आता है। और यहाँ पे आए हैं, कुछ इस तरह से जगह है हमारे दोस्त का, यहाँ पे जगह ज़मीन वगैरह है, तो उसके कुछ काम के लिए हम लोग वगैरह यहाँ पे आए हैं। बहुत पहले लिया था इनफैक्ट, जब लॉकडाउन के आई थिंक दो लॉकडाउन के 3-4 साल पहले लिया था, अभी से 5-6 साल हो गए, और बहुत साल हो गए यार। उस टाइम में मैंने भी बिज़नेस स्टार्ट करा था और इन्होंने ज़मीन वगैरह लेने का लिया था। तो भाई कुछ इस तरह से भाई, मतलब पहले तो पूरा लेआउट एकदम खाली खाली था, अब देखो एकदम जंगल जैसे हो गया ये। उस तरफ तो डेवलपमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, बट यहाँ पे इस सभी पे अभी भी पूरा खाली खाली ही है यहाँ पे। और भाई देखो किस तरह से है, पेड़ पौधे पूरा जमा हो गया। और ये वाला जगह है ऐसे साइड में, पहले का ऐसा एक्चुअली पूरा ओपन था यहाँ पे, मतलब ये प्रॉपर रोड था, जैसे देख रहे हो ना ये प्रॉपर रोड था, घास उस वगैरह कुछ नहीं था, और मोरी वगैरह पूरा बना हुआ था, पत्थर उत्थर नाम उम सब कुछ था। मतलब अभी देखो मतलब कोई है नहीं यहाँ पे, तो पूरा जो नीचे ये सब जगह पेड़ पौधे नेचुरल जो होते हैं, नेचर ने अपना रंग दिखा दिया, मतलब पूरा कैप्चर कर लिया पूरा, मतलब पूरा लेआउट फील्ड था ये भाई, पूरा लेआउट घुमा बहुत जगह, हर जगह भी ऐसा ही है, क्योंकि जब से लॉकडाउन वगैरह हुआ है तब से कुछ भी कंस्ट्रक्शंस वगैरह हुआ नहीं, हर जगह काम रुका पड़ा हुआ पिछले 2-3 सालों से, सो तो उसी का असर है भाई। बाकी ज़मीन तो कुछ ऐसे है, देखो बहुत बड़ा लेआउट है यहाँ पे। वहाँ पे जो ना पीछे आने के टाइम में हमें लेक वगैरह भी दिखा, तो वो लेक वगैरह भी मैं जाने के टाइम में अभी आपको दिखाऊँगा। दो दो लेक इनफैक्ट है, एक हमारे ऑफिस के पास पे भी है और एक अभी रास्ते में जब आए थे यहाँ पे भी, इस एरिया में भी है। तो भाई जगह देखो अगर खाली छोड़ा जाए तो भाई नेचर कैसे क्या कर लेता है। बसरते आसपास में गाइस यहाँ पे पूरा ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, देख लो भाई आराम से पूरा सन्नाटा ग्रीनरी है यहाँ पे। क्या ख्याल भाई तेरा, ऐसा जो चेंजेस हो गया अभी, पहले साला पूरा रोड दिखता था ना एकदम क्लीन उलीन था, अब देख कैसा हो गया। ऐसे बिल्डर वाले का यही काम है, लेआउट वाले लोग ऐसा ही करते हैं, और लेआउट वाले के हाथ में दे दिया तो 1-2 double कर लेंगे क्लीनिंग करके। हाँ, बट हम तो क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं ना इसके लिए। बोतल उतल भी गिरा हुआ यहाँ पे, लगता पार्टी भी चला है। देखो चले मालिक ने पार्टी नहीं किया, कोई और जा करके यहाँ पे पार्टी करके गए। हो
चलो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे, अपना काम वगैरह पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। गैस हम लोग वॉक कर रहे थे और ये वाला प्लांट हमने देखा बचपन में, भाई इसके साथ हम खेलते थे। जैसे देखो टच करेंगे, अब देखना टच करते ही मतलब बंद, ये वाला देखो है ना, ये वाला देखना, इसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। आप लोगों ने भाई बचपन में देखा, जैसे मैं छूऊंगा ये प्लांट अपने आप को बंद कर लेगा। यहाँ पे भी देखना जैसे है, जैसे टच करूँगा हिलाऊँगा इसको बस ये वाला टच मी नॉट प्लांट यहाँ पे भी है भाई। ये देखो यहाँ पे ना बहुत एकदम थिन थिन वाले ना ये प्लांट है जो कि शू के अंदर घुस गए, मेरे कपड़े वाला शू है ये, और अंदर घुस करके मेरे स्किन में चुभ रहा है भाई, क्या ख़तरनाक चीज़ है यहाँ देखो। तो मैं तो फटाफट इसको पहले निकाल लेता हूँ, देख सकते हो आपको शायद नहीं पता नहीं कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं, बट यहाँ पे है ये ना कांटे जैसे चीज़ें हैं जो कि चुभ गए हैं पूरा प्लांट्स के। ओह फक लग रहा है मुझे साला, अंदर तक चुभ रहा है वे ये सब तो। सो गाइस फाइनली यहाँ का काम जो है कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, अब जा रहे हैं वापस अपने ऑफिस, और जाने के टाइम में मैं आपको रास्ते में कुछ ऐसे नज़ारे दिखाता हूँ, बस देखना मज़े आएंगे। आते थे ना इस जगह पे भाई, ये ऊपर के ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर में, यहाँ ये शॉर्टकट जगह है नाइस रोड में। कितना खाली जगह है यहाँ, सब ने कुछ भी नहीं भरा है स्टार्टिंग से, खाली खाली हो गया। यहाँ पे हम लोग जो है ना फोटोशूट बहुत करते थे पहले, आते थे यहाँ उस साइड जा कर के पार्टी मनाते थे, और ये सब जो खाली जगह है जैसा का तैसा ही है, वह कुछ चेंज नहीं हुआ है। Never really wanna boss, so I'ma do what I want to, something I can't undo, yeah I'ma do what I want to। यहाँ कहीं भी खाली जगह मिलता देखो कंस्ट्रक्शन तैयार, पूरे बैंगलोर में जहीं कहीं भी घूमोगे हर जगह कंस्ट्रक्शन आपको दिखेंगे भाई। यहाँ पे हम गली से जा रहे हैं और देखो छोटे छोटे बच्चे भाई, कितना मस्त रहता है ना इन एज में खेलने में, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई यहाँ पे। बाय, जवाब नहीं दे रहे भाई। तो बस पिछली बार जो है लेक एक्चुअली इस रोड से जाएंगे तो लेक आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली भाई साहब को कुछ काम है तो हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, तो बस लेक वाला सीन दोनों जगह मिस हो गया एक्चुअली। एक जगह पे तो शूट ही नहीं किया था, बात कर रहे थे, फिर दूसरी जगह पे अब रास्ता ही चेंज हमने कर लिया, बट यहाँ से एक शॉर्टकट से रास्ता है। देखो भाई बैंगलोर में भी ऐसे टूटे फूटे ये सब चीज़ें रहते हैं भाई देखो। चले चलते हैं पहले ऑफिस के पास चलते हैं, फिर बात करते हैं। हम आ गए फाइनली अपने वाले रोड पे, हमारा पुराना रोड ये है कुछ ऐसा, हमारे ऑफिस का रोड वो कॉर्नर में है हमारा ऑफिस। और आज का ब्लॉग में क्या पसंद आया पूरे ब्लॉग में जरूर कमेंट करके बताना भाई।